जय श्री श्याम दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यू आइडल किचन में। आज है भगवान कृष्ण की छठी और आज बनता है मीठे का प्रसाद और कड़ी चावल का। तो चलिए आज हम बनाते हैं भगवान जी के लिए छठी का उनका प्रसाद, और प्रसाद में हम बनाएंगे सूजी और बेसन का बहुत ही टेस्टी और लजीज हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। ये जो हलवा बनाएंगे हम बिल्कुल भंडारे वाला बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, जितना हमने बेसन लिया उतनी हमने सूजी, ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। ये लिए हमने ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, इसको हम जो है चॉप कर लेंगे। किशमिश, थोड़े से हमने ये लिए है मगज के बीज यानी खरबूजे के जो बीज होते हैं वो, थोड़ा सा सूखा ग्रेट ये जो है कोकोनट लिया है हमने, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर, देसी घी, देसी घी हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे। और ये हमने बना ली है चाशनी। 1 कटोरी चीनी ली है हमने, जितनी हमने सूजी और बेसन लिया उतनी हमने चीनी ली है, उसका 3 गुना हमने पानी लिया है। और इसको हमने गर्म करके चाशनी बना के तैयार कर ली है। चाशनी से जो है हलवे का स्वाद वो और भी ज्यादा बढ़िया आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हलवा बनाना। गैस को हमने ऑन कर लिया, इसमें रख लिया कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम देसी घी। घी आप जितनी सूजी ली है उतना ही आप स्टार्टिंग में उतना घी ले, बाद में थोड़ा सा और डालेंगे हम बनने के बाद। 1 कप सूजी ली हमने तो 1 कप ही हम देसी घी लेंगे। और अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम सूजी। सूजी को पहले अच्छी तरह से छान के लेना है, कई बार इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना, जब भी आप त्योहार पे कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी उसको अच्छी तरह से छान के और फिर लेना। अब हमने ले लिया बेसन। बेसन को भी हमने पहले से ही छान के रखा था। त्योहार पे आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, हर एक चीज को आप चेक करके ले। अब इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। अभी आपको घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे सूजी और बेसन भुनना शुरू होगा ये तेल रिलीज कर, ऑयल ये जो देसी घी है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सूजी और बेसन भुन रहा है इससे जो है घी रिलीज होना शुरू हो गया है। इसे हमने छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए भुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करना है। ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे करके भुना। जितनी हम मंदी गैस पे इसको सूजी बेसन को भुनेंगे उतने ही अच्छे भुन के तैयार होंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और सूजी भी ये देखो कितनी फूलने लगी है। ये देखिए ड्राई फ्रूट को हमने बारी बारी क्रश कर लिया है। ये देखिए, चलते हलवे की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी और बेसन हमारा भुनकर बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अगर आप इससे ज्यादा डार्क करना चाहे तो इसको थोड़ा सा और भून सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये पूरा पक चुका है। अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए और कितना फुला फुला ये हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे चाशनी। अगर आप फ्रेशर है तो गैस को ऑफ कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल सिम गैस पर हम इसमें चाशनी डालेंगे, क्योंकि चाशनी उछलती है डालने के बाद। चाशनी हमें धीरे धीरे करके डालनी है। इसको लगातार चलाते रहेंगे हम। चाशनी डालने के बाद हलवे में उबाल आ गया है। डाल देंगे इसमें थोड़े थोड़े करके ड्राई फ्रूट। थोड़े ड्राई फ्रूट हम रख लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और इसको लगातार चलाते हुए पकाना हमने। अब गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो और थोड़ा सा डालेंगे है इसमें हम इसमें ऑरेंज फूड कलर। इससे जो है हलवे का कलर वो भंडारे वाला लुक आ जाएगा। इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और अब इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे इसमें फूल जाए। ये हमारा परफेक्ट हलवा बनके हो गया तैयार। ये देखिए साइडों से इसने घी छोड़ दिया है, कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है। ये हमने बिल्कुल भंडारे वाला बनाया है।
ये देखिए गाढ़ा या पतला ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हमने जो भंडारे वाला बनाया, भंडारे में जो होता है पतला हलवा होता है, बिल्कुल वही वाला बनाया और इसका टेस्ट इतना बढ़िया होगा फ्रेंड्स पूछिए मत। चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा भंडारा स्पेशल भगवान जी की छठी के लिए हलवा बनके हो गया बिल्कुल तैयार, और उनकी छठी पे बिल्कुल यही वाला हलवा बनाया जाता है और साथ में बनाए जाते हैं कढ़ी चावल, तो ये हमने बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आप इसको गाढ़ा बनाना चाहे तो पानी और चाशनी की मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर पतला बनाना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। हमने ये पतला बनाया है इसलिए हमने पानी की मात्रा जितनी हमने सूजी और बेसन लिया था उससे 3 गुना ज़्यादा लिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।